व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की फिल्म जो एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है इनविजिबल गर्ल। सो मूवी की शुरुआत में हम एक मेटेरॉइड को देखते हैं जो पृथ्वी की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। किसी भी समय वो हमारी धरती पर आ सकता है और फिर सीन शिफ्ट होता है जिसके बाद हम ऑल नाम के आदमी को देखते हैं जो कि समुंदर के बीच में खड़ा होता है एक बड़े शिप के पास। दरअसल उसे शिप के कुछ सामान को ले जाना था जिसके लिए वो अपने साथ एक छोटी बोट भी लेके आया था, लेकिन ऑल का जो सामान होता है वो 1 टन का होता है। 1 टन का ले जाना है उसे, और जो बोट वो लेके आया उसमें सिर्फ 600 किलो तक सामान जा सकता है। अब ऑल छोटे बोट के मालिक से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूँ, प्लीज़ थोड़ा और सामान रखवा लो, लेकिन वो नहीं मानता। जिसके बाद ओल के दिमाग में एक आइडिया आता है, वो बड़े शिप के ओनर से कहता है कि तुम बोट पे 1 टन का सामान रखवा दो, लेकिन उसे बताना मत, तुम उसे कहना कि ये सिर्फ 600 किलो का ही सामान है। अब शिप का मालिक ओल की बात मान लेता है और छोटी बोट पे 1 टन का सामान रखवा देता है। और आगे जाके हमें इस बंदे की चालाकी का अंजाम दिखता है दोस्तों। कुछ दूरी पर जाके बोट डूब जाती है क्योंकि सामान उस पर ज़्यादा हो गया था, जिसके साथ साथ पूरा सामान भी डूब जाता है। लेकिन उस छोटी बोट का मालिक और ओल दोनों जैसे तैसे करके किनारे तक आ जाते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। अब जो बोट डूब गई थी उसके बदले ओल को पैसे देने थे, लेकिन उसके जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। वो उस बोट के मालिक से अपनी कार को एक्सचेंज कर लेता है क्योंकि उसके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है। वेल यहाँ से ओल एक बैंक में जाता है जहाँ वो अपनी बचपन की दोस्त स्वेटलाना से मिलता है जो कि उस बैंक में कैशियर की जॉब करती है। ओल बोलता है कि उसे लोन की ज़रूरत है, लेकिन जब स्वेटलाना उस लोन की रकम सुनती है तो वो शॉक हो जाती है क्योंकि वो ओल पूरे $1 मिलियन की लोन मांग रहा था। स्वेतलाना उसे बोलती है कि तुम्हें इतना बड़ा लोन कोई नहीं देगा जब तक तुम्हारे पास कोई अच्छा सिक्योरिटी ना हो। अब ओल काफ़ी परेशान हो जाता है, पर स्वेतलाना उसे कहती है कि चलो मैं तुम्हें अपने डैड से मिलवाती हूँ, वो शायद तुम्हारी कुछ मदद कर सके। सो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते हैं, इसी वजह से स्वेतलाना ओल की मदद करती है। इसके बाद स्वेतलाना ओल की खटारा कार में बैठ के अपने घर के लिए निकल जाती है। यहाँ हम स्वेतलाना की फैमिली को देखते हैं जो कि काफ़ी बड़ी होती है। अब उसकी फैमिली में हर किसी के अपने ड्रीम्स होते हैं, जैसे कि उसके डैड जिसका नाम ब्रॉस होता है, वो चाहते हैं कि पूरी फैमिली उनके साथ रहे, और वहीं उनकी लीटा थिएटर आर्टिस्ट बनना चाहती है। उनका बेटा जिसका नाम लिक है वो आर्मी में जाना चाहता है, लेकिन वो अस्थमा का मरीज है जिस वजह से वो हर बार रिजेक्ट हो जाता है। अब घर की सबसे छोटी बेटी शाशा को जल्दी से बड़ा होना है ताकि वो सारे काम कर सके जैसे कि सारे बच्चे करते हैं। वे आगे बढ़ते हैं। अब ऑल ब्रॉस से बात करता है और उन्हें अपनी परेशानी बताता है, बोलता है कि मुझे आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए जिसके बदले में मैं आपको कुछ कमीशन भी दूंगा। लेकिन ब्रॉस ये बोल के मना कर देता है कि तुम जैसे लोग पहले लोन ले लेते हो और किसी और की सिक्योरिटी से, फिर बाद में उसे चुकाते नहीं हो, जिसके बाद बैंक वाले हम जैसे शरीफ लोगों को परेशान करते हैं। अब ब्रॉस ये बोल के वहाँ से जाने लगते हैं और हम देखते हैं कि मेटेरॉइड्स अर्थ पे आ रहा है, वो भी काफ़ी करीब आ गया, और तभी वो आके ब्रॉस के घर में गिर जाता है। जैसे कि वहाँ काफ़ी बड़ा गड्ढा हो जाता है, सब लोग घर से बाहर भागते हैं, पर वो देखते हैं कि पूरे शहर में ऐसे मेटेरॉइड्स गिर रहे हैं। तभी स्वेतलाना को याद आता है कि उस मेट्रॉइड के नीचे इनके ग्रैंडफादर दब गए हैं। सब लोग फौरन भागते हुए घर के अंदर जाते हैं और वहाँ से ग्रैंडफादर को निकालते हैं। इसके बाद ऑल सबसे कहता है कि हमें मेट्रॉइड्स को ढूंढना चाहिए ताकि हम उसे बेच के कुछ पैसे कमा सके। उसके बाद सारे लोग मान जाते हैं और उसे ढूंढना चालू कर देते हैं, लेकिन काफ़ी खुदाई के बाद भी उन्हें वह नहीं मिलता, जिसकी वजह से सब लोग थक जाते हैं और जाकर सो जाते हैं। लेकिन ऑल हार नहीं मानता क्योंकि उसके ऊपर कर्जा है, वो उसे ढूंढता रहता है। वो फाइनली वो मेट्रॉइड को ढूंढ लेता है, पर इसी बीच ग्रैंडफादर ओल को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि मेरे जाने का अब टाइम आ गया है। अब ये बोलने के बाद वो वहीं टपक जाते हैं और ये देखकर ओल थोड़ा उदास हो जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो ग्रैंडफादर की ये बात घर वालों को कैसे बताएगा। लेकिन ओल हिम्मत करके स्वेतलाना के पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा थक चुकी थी कि उसे बार बार उठाने पर भी नहीं उठती। और तभी वहाँ लिक आता है और ओल को अपने साथ ले जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि वो मेट्रॉइड अब पिघल कर लिक्विड बन गया है। लिक बताता है कि उस लिक्विड को डैड ने गलती से लात मार के गिरा दिया था, जिससे वो पूरे घर में फैल गया है। अब दोस्तों यहाँ पे एक ट्विस्ट की बात पता चलती है, उस मेट्रॉइड के फैलने की वजह से घर में ज्यादातर लोगों के पास अलग अलग तरह की सुपर नेचुरल पावर आ गई थी, जैसे कि शाशा अब सुपरमैन बन चुकी थी और हर चीज को तोड़ सकती थी, लीटा अब हवा में उड़ने लग गई थी, और वहीं स्वेतलाना के पास अब इनविजिबल होने की पावर आ गई। और ये सब देख के पूरे घर के लोग काफ़ी खुश और शौक भी हो जाते हैं। इसी बीच उन्हें एक और बात पता लगती है कि अगर वो साथ में रहे तभी ये पावर काम करेगी, वरना ये पावर काम करना बंद कर देगी, यानी कि उन्हें 20 मीटर की दूरी के अंदर ही रहना पड़ेगा अगर उन्हें इस पावर का इस्तेमाल करना है।
अब जो ऑल होता है वो लीला और शाशा को लेकर डॉक्टर के पास जाता है ताकि वो चेक करा सके कि उनकी बॉडी के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं आई है। लेकिन डॉक्टर चेक करने के बाद बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल फिट एंड फाइन है। अब घर आने के बाद सब लोग एक साथ डिनर कर रहे होते हैं कि तभी ऑल कहता है कि क्यों ना हम इस पावर का यूज़ करके कुछ पैसे कमाएं, इससे हमें काफ़ी फ़ायदा भी होगा और हम काफ़ी अमीर भी बन सकते हैं। लेकिन मिस्टर ब्रॉस उसकी इस बात को इग्नोर कर देते हैं। तभी वहाँ लिक आता है जो सबको बताता है कि उसे अपनी पावर का पता लग गया है। वो सारे लोगों को बताता है कि वो अब जानवरों से बात कर सकता है, जिसके लिए वो अपने डॉग के पास जाता है और जब वो भौंकता है तो लिक काफ़ी आसानी से उसकी भाषा को समझ जाता है कि वो क्या कह रहा है। उसी रात हम ऑल को भी देखते हैं जो एक आयरन रॉड को मोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उससे वो रॉड नहीं मुड़ पाती। अब सभी के पास ये पावर थी लेकिन उसके पास कोई पावर नहीं थी, ये सोचकर वो काफ़ी उदास हो जाता है, उसे काफ़ी बुरा लगता है, जबकि उसने ही मेटेरॉयड को ढूंढा था दोस्तों। अब अगली सुबह हम मिस्टर ब्रॉस को देखते हैं जो कि टॉयलेट कर रहे होते हैं। उसी दौरान वो एक लंबी सांस लेते हैं और तभी अचानक से वो घर के बाहर आ जाते हैं, यानी कि उनके पास भी उनकी पावर्स आ गई थी जिससे वो कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते थे। और इसके कुछ देर बाद मिस्टर ब्रॉस सभी को लेके लेक के पास जाते हैं जहाँ पे सारे लोग अपनी अपनी पावर को ट्राई करने लगते हैं। सारे लोग काफ़ी खुश होते हैं और तभी ऑल सबसे कहता है कि क्यों ना हम लोग एक बैंक लूटें अपने पावर को यूज़ करके, और इससे हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। दोस्तों ऑल किसी तरह से पैसे उसके वापस करना चाहता था, इसलिए वो ऐसे आइडियाज़ दे रहा था, लेकिन उसकी बात स्वेतलाना को कुछ खास पसंद नहीं आती, जिसकी वजह से वो ऑल को मना कर देती है। ऑल उसे काफ़ी नाराज़ हो जाता है और कार से वहाँ से जाने लगता है, लेकिन स्वेतलाना उसकी कार में जाके बैठ जाती है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों तभी अचानक से एक आदमी की कार आके उनके सामने रुकती है। वेल, आपको याद होगा कि हमने कहानी की शुरुआत में एक बड़ा सा शिप देखा था जिसका ओनर से ऑल ने वादा किया था कि उसके एक टन का सामान वो सही सलामत उसकी जगह पे पहुंचा देगा, लेकिन उसने उसे डुबा दिया। ये वही आदमी होता है जिसका वो सामान था, और ऑल ने उसे वादा किया था कि वो उसके $1,000,000 का जो सामान था वो उसे वापस करेगा। अब अभी तक उसने उसके पैसे वापस नहीं किए थे, तो वो डॉन ऑल को अपनी कार में बुलाता है और उससे कहता है कि मेरे $1,000,000 तुम कब दे रहे हो, या मैं तुम्हारे ऑर्गन्स निकाल कर चाइना में बेच दूँ। अब ये सारी बातें सुन के ऑल काफ़ी डर जाता है और एक हफ्ते का टाइम मांगता है पैसे लौटाने के लिए। उसी टाइम ये सारी बातें स्वेतलाना सुन लेती है, जिसके बाद वो बैंक लूटने के लिए मान जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम ऑल और स्वेतलाना को ब्रॉस को लेके एक बंगले में जाते हुए देखते हैं ताकि उसे वो देख के उसके मन में थोड़ा सा लालच आ जाए और वो बैंक लूटने के लिए हाँ कर दे। लेकिन मिस्टर ब्रॉस ठहरे गुरुकुल के प्रिंसिपल नारायण जैसे, जिनके उसूल ही सब कुछ होते हैं, भले ही पिछवाड़े में आग लग जाए लेकिन नवाबी ना घटे। वेल, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ स्वेतलाना उसे थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल करती हैं ताकि वो रोने लगती है और अपने डैड से कहती है कि मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, ये पहली और आखिरी चीज़ है जो मैं आपसे मांग रही हूँ, प्लीज़ मान जाइए। उसकी इमोशनल अत्याचार की वजह से ब्रॉस फंस जाते हैं और हाँ कर देते हैं। अब घर आने पर ब्रॉस सभी लोगों को इकट्ठा करके बैंक लूटने के बारे में सारा ही जानकारी बताते हैं। ऑल उन्हें बोलता है कि हमें बस एक कार में बैठना है, बाकी जो काम करेगी वो स्वेतलाना करेगी, वो इनविजिबल होकर बैंक के अंदर जाएगी और पैसे लेके वापस आ जाएगी बिना कोई दिक्कत के। अब ये इनका काफ़ी आसान प्लान था इन्हें बैंक लूटने का। अब रात में ऑल गार्डन में होता है जहाँ वो एक कप को उठाने की कोशिश करता है बिना उसे छुए, और वो उठा भी लेता है, लेकिन तभी वहाँ स्वेतलाना आ जाती है जो कि इनविजिबल थी और वही वो उस कप को उठा रही थी, जिससे यहाँ भी ऑल भाई का एक बार और से पोपट कट जाता है, मतलब बेचारे का मतलब पोपट कटता ही जा रहा है। अब अगले दिन सारे लोग कहते हैं कि उन्हें इस पावर को पब्लिक को दिखाना है, लेकिन ऑल मना कर देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो हाँ कर देता है क्योंकि उसे इन लोगों की ज़रूरत थी। वो सारे लोग एक थिएटर में जाते हैं जहाँ वो एक डायरेक्टर को अपनी पावर्स दिखाते हैं जिससे वो काफ़ी पैसे कमा सकें। वेल, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक रात ऑल को भी पता लग जाता है कि उसके पास भी अब सुपर पावर आ चुकी है फाइनली, जिसमें वो अपनी उंगलियों से पानी निकाल सकता है। वाह, क्या पावर है। अब दोस्तों पूरी फैमिली एक फ्यूनरल एजेंट के पास जाती है। दरअसल ग्रैंडफादर की आखिरी विश होती है कि उनका फ्यूनरल काफ़ी अच्छे से हो, जिस वजह से वो इस एजेंट के पास आए थे। अब इसके बाद ओल और शाशा एक साथ डिनर करने जाते हैं, लेकिन वहाँ ओल को कुछ गुंडे काफ़ी बुरा भला बोलने लगते हैं, जिससे कि शाशा को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो अपनी पावर्स को यूज़ करके उन सभी को सबक सिखाती है, उनका पिछवाड़ा लाल कर देती है। अब फाइनली बैंक लूटने का टाइम आ जाता है और सारे लोग बैंक
के सामने खड़े हो जाते हैं और जो करना था वो स्वेतलाना को करना था। ऐसे ही हम जानते हैं वो इनविजिबल हो जाती है लेकिन उसके कपड़े अभी भी दिख रहे होते हैं, तो वो अपने कपड़े भी उतार देती है और फिर इनविजिबल होकर ऑल के साथ बैंक के अंदर जाती है। ये एक बहुत ही फनी सीन होता है। फाइनली वो बैंक के अंदर जो ऑफिशियल होते हैं उनके पास जो लॉकर्स के कोड होते हैं, पासवर्ड होते हैं, उनको वो जान लेती है। पर तभी बाहर खड़ी कार को एक पुलिस की कार आगे धक्का देने लगती है जिससे कि उन लोगों की रेंज दूर हो जाती है और अंदर स्वेतलाना दिखने लग जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनको पावर्स को यूज़ करने के लिए आसपास ही रहना ज़रूरी है और ये मुसीबत देखकर ऑल कार से बाहर आता है और सारे लोगों को एक रेंज में लाता है जिससे कि स्वेतलाना फिर से इनविजिबल हो जाती है और थोड़ी देर बाद वो वापस कार में आके बैठ जाती है बिना पैसे लिए, क्योंकि बाहर अब पुलिस आ गई थी और सारे लोगों को एक एक करके पुलिस की कार रोक लेती है। उसी समय ब्रॉस गायब हो जाते हैं वहां से, पर पुलिस उन लोगों की कार के पास आती है और उन्हें कुछ नहीं बोलती और जाने देती है। वेल, अब थोड़ी देर बाद स्वेतलाना के पास ब्रॉस का कॉल आता है और वो उसे बोलते हैं कि उन्हें नहीं पता कि वो गायब होके कहां पहुंच गए। उसी समय कुछ पुलिस ऑफिसर अपनी वैन का गेट खोलते हैं और हम उसमें मिस्टर ब्रॉस को देखते हैं, मतलब कि वो गायब होके पुलिस की वैन में पहुंच गए थे। मतलब ये बंदा गायब होके कहीं भी पहुंच सकता है। लेकिन कुछ जुगाड़ करने के बाद ऑल उन्हें पुलिस से छुड़ा लेता है। अब दोस्तों सारे लोग के घर पहुंचने पे ऑल सब पे बहुत ही चिल्लाता है, उन्हें बोलता है कि तुम लोगों को बैंक लूटना काफ़ी छोटा काम लगता है, अगर ऐसा हमने करा तो हम कभी भी बैंक नहीं लूट पाएंगे, तुम लोग एक नंबर के बेवकूफ़ हो। तभी लीटा बताती है कि उसका कल थिएटर में शो है और ये सुनकर ऑल कहता है कि हम कल सारे लोगों को लीटा की तरफ डाइवर्ट कर देंगे और रात के अंधेरे में बैंक को लूटने जाएंगे। सीन शिफ्ट होता है और हम थिएटर का सीन देखते हैं जहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग आए हुए थे लीटा को उड़ता हुआ देखने के लिए। लेकिन लीटा इतने सारे लोग को देख के काफ़ी नर्वस हो जाती है और वहाँ से उड़ के भागने लगती है। अब स्वेतलाना और ऑल उसे समझाने के लिए उसके पास जाते हैं, पर इसी बीच ऑल का वो जो डॉन होता है वो उसे देख लेता है और उसे उठा के ले जाता है, और जिसके बाद डॉन के लोग ऑल को काफ़ी बुरी तरह से मारते हैं और ऑल अपनी टूटी हुई हड्डियों को लेकर थिएटर से बाहर आता है और वहाँ उसे स्वेतलाना का परिवार दिखता है। वो उनसे गुस्से में कहता है कि तुम लोगों को दुनिया की चाहे जितनी भी आधुनिक चीज़ें दे दो तब भी तुम लोग उससे अपना पिछवाड़ा ही साफ करोगे। और मिस्टर ब्रॉस को उसकी ये बात काफ़ी बुरी लगती है और वो इतना बुरा मान जाते हैं कि वो ऑल को पकड़ के गाड़ी में बंद कर देते हैं और ठान लेते हैं कि वो अब चोरी करके रहेंगे। अब सारे लोग दोस्तों आधी रात को बैंक के पीछे वाले गेट पे पहुंच जाते हैं और फिर लीटा उठ के बैंक की खिड़की पे एक चेन बांध देती है, जिसके बाद शाशा अपनी पावर से यूज़ करके उस खिड़की को पूरी तरह से उखाड़ लेती है। वहीं मिस्टर ब्रॉस उस बैंक के सारे जो कैमराज होते हैं उन्हें ऑफ कर देते हैं और साथ साथ में उस रोड पर एक ट्रक ला के खड़ा कर देते हैं जिससे कि जब पुलिस आए तो उन्हें अंदर आने में दिक्कत हो। ये सारी चीज़ें करने के बाद शाशा उस पूरे लॉकर को ही बैंक की खिड़की से नीचे फेंक देती है क्योंकि उसके पास सुपरमैन वाली पावर है, और फिर उस लॉकर को वो लोग कार में रख के वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तब तक वहाँ पुलिस पहुँच गई थी और लिख बड़ी चालाकी से अपने डॉग्स को उन पुलिस वालों के बीच छोड़ देता है जिसकी वजह से वो लोग वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है और सारे लोग शहर से दूर एक जगह पर रुक के काफ़ी एंजॉय करते हैं कि तभी ग्रैंडफादर कहते हैं कि अब उनका मरने का टाइम आ गया है। वेल, ग्रैंडफादर अभी भी जिंदा थे, वो बोलते हैं कि मुझे यहीं पर छोड़ दो और तुम लोग चले जाओ, और उनकी ये बात सभी लोग मान लेते हैं और उन्हें वह बैठा कर चले जाते हैं, और जिसके थोड़ी देर बाद वो वहीं मर जाते हैं। वेल, मुझे लगता है कि ग्रैंडफादर कितनी बार मरते हैं। वेल, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि कैसे कोई अपनी फैमिली मेम्बर को मरने के लिए अकेले छोड़ सकता है, लेकिन ये फिल्म है, यहाँ कुछ भी हो सकता है और ये फैमिली बहुत ही अलग तरह की है। वेल, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब रास्ते में ऑल सबको उनके हिस्से के पैसे देता है और उसी समय स्वेतलाना कहती है कि हमें ये काफ़ी गलत किया, हमें ग्रैंडफादर को ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए था, उन्हें वापस लाना चाहिए था। लेकिन ऑल कहता है कि हम वहाँ वापस नहीं जाएंगे। ये बात स्वेतलाना को काफ़ी बुरी लगती है और जिस वजह से वो ऑल से कहती है कि तुम अपना हिस्सा लो और कार से उतर जाओ। उसकी ये बात सुन के ऑल काफ़ी गुस्से में आ जाता है और कार से उतर जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ऑल ने पूरे $1,000,000 उस डॉन को लौटा दिए थे और अब वो उन पैसों को लेके किसी और कंट्री में जा रहा था। लेकिन वो ऐसे इन पैसों को लेके फ्लाइट में नहीं जा सकता था, जिस वजह से वो एयरपोर्ट में जाके उन पैसों को अपने पेट में बांध लेता है जिससे कि कस्टम्स वाले उसे पकड़ ना सके। अब वो बाहर आके अपनी फ्लाइट का इंतज़ार कर रहा था कि तभी वो टीवी में देखता है कि स्वेतलाना और उसकी फैमिली को पुलिस ने पकड़ लिया है।
अब आप लोग सोच रहे होंगे दोस्तों कि आखिर इन लोगों को पुलिस ने पकड़ा कैसे, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। वेल, हुआ ये था कि ग्रैंडफादर के मरने के बाद उनकी बॉडी उसी फ्यूनरल एजेंट ने ले ली थी जिसके पास सारे ये लोग गए थे। और फिर जब वापस सुतलाना और उसकी फैमिली उस एजेंट के पास गए तो ग्रैंडफादर की बॉडी लेने के लिए तो उसने मना कर दिया, जिसके बाद सुतलाना की फैमिली ने उसे $1 million का ऑफर दिया और वो बंदा फाइनली मान गया और उसने बॉडी लौटा दी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उस एजेंट को थोड़ा सा इन लोगों पे शक हो गया, उसने पुलिस को बता दिया, जिसके बाद पुलिस ने तलाशी ली और इनके सारे सच सामने आ गए और उन्हें पकड़ लिया गया। मतलब दोस्तों ये कहानी सुन के ये लगता है कि नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऑल ग्रैंडफादर को जिंदा लेके पहुंच जाता है, मतलब कि ग्रैंडफादर कभी मरे ही नहीं थे, मतलब वो अभी भी जिंदा है, ये बंदा कभी मरेगा ही नहीं। यहाँ में पता चलता है कि उन्हें जिंदा ही दफना दिया गया था। अब ग्रैंडफादर के आते ही सारे लोग एक रेंज में आ जाते हैं जिसके बाद उनकी पावर्स वापस आ जाती है और फिर क्या, सारे लोग पूरे कोर्ट में तबाही मचाना चालू कर देते हैं। ये लोग कोर्ट में होते हैं, लीटा उड़ के जज के ऊपर चढ़ जाती है और यहाँ भी एक बहुत ही फनी सीन दिखाया गया है। यहाँ ये फैमिली बहुत ही अजीब अजीब चीज़ें करती है जिसे देखकर बहुत ही हंसी आती है, ऐसे लग रहा था कि कोर्ट में मजाक चल रहा हो। सो गाइस, यहाँ पर ये एक लो बजट मूवी है तो इसमें कुछ भी दिखाया गया, मतलब बिना वजह के, बिना मतलब के बस लोगों को हंसाने की कोशिश की गई है। अब जो कि इनकी पावर्स वापस आ गई थी तो शाशा जेल की रॉड को तोड़ देती है और सारे लोग वहाँ से भाग के कोर्ट के बाहर आ जाते हैं। लेकिन वहाँ काफ़ी पुलिस होती है तो लीटा उनके सामने उड़ने लग जाती है और सारे पुलिस वाले उसे देख के शॉक हो जाते हैं, जिसके वजह से उनका ध्यान भटक जाता है और इसी बीच सभी लोग वहाँ से कार से भागने लग जाते हैं। वो लोग एक पोर्ट पर आते हैं जहाँ उन्हें वही डॉन मिलता है जिसे कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वो ऑल की मदद करता है और सारे लोगों को एक कंटेनर में बंद करके उन्हें शिप से चाइना भेज देता है, वो उनकी जान बचा लेता है। वेल, ये डॉन वाला सीन देख के आपको एक कोट याद आ गया होगा कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, मतलब कि वो डॉन दिल का अच्छा था बस दिखने में ख़तरनाक था। तो ये पूरी फिल्म में यही दिखाने की कोशिश की गई है दोस्तों कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ हों तभी आप ताकतवर हैं और सारी मुश्किलों से लड़ सकते हैं, जो कि रियल लाइफ में भी सच है। और दोस्तों इसी मैसेज के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। सो ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, पीस आउट।